नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर आधे कपड़ों में प्रदर्शन। मंडूक पुष्कर के किनारे सयाजी द्वार के सामने जिले के 1000 अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रदर्शन। शासन के खिलाफ नारे लगाकर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ठाकुर ने आंदोलन के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि हमारी मांगे जायज हैं। 22 जुलाई से जारी कलमबंद हड़ताल आगे और आक्रामक रूप में नजर आएगी। मंडूक पुष्कर तालाब के यहाँ सभी संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी साथी है, सभी यहाँ एकत्रित होकर हमारी मांगों के समर्थन में सरकार के सामने या अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी शासन मान जाए, नहीं तो इससे भी और घोर आंदोलन और रुग्र रूप में यह आंदोलन चलेगा। कब से आपकी हड़ताल चल रही है और क्या मांगे आपकी? हमारी हड़ताल 22 तारीख से कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है और जब तक जाहिर मांगे पूरी नहीं होगी जब तक यह आंदोलन समस्त रूप से जारी रहेगा। जिले के कितने कर्मचारी हैं जो इस तरह से हड़ताल में बैठे हुए हैं? जिले के 1000 कर्मचारी के लगभग यहाँ जिले के सभी अपने मांगों के समर्थन में धरने पे बैठे हुए हैं और समस्त ग्रामीण विकास विभाग का अमले का पूरा कामकाज इन कर्मचारियों के द्वारा ठप करके और शासन पे को अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं रोजगार सहायक को नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारी जो जिला एवं जनपद स्तर के उन्हें नियमित किया जाए, पंचायत सचिव जिनको छठा वेतनमान नियुक्ति दिनांक से दिया जाना है वह नियुक्ति दिनांक से दिया जाए एवं सातवां वेतनमान दिया जाए और पंचायत राज में सविलय किया जाए और संविदा कर्मचारी में सब इंजीनियरों को भी नियमित किया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है। आपका नाम? आनंद सिंह ठाकुर, संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष देवास।